सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ मुकुंदगढ़ बाईपास पर कार अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में 11 वर्षीय बच्ची सहित एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना मिलने पर बलारा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। आपको बता दें कि कार में सभी लोग शादी समारोह में शामिल होकर वापस अपने गांव बगड़ जा रहे थे, तभी अचानक कार अनियंत्रित होकर पलट गई। रात को करीब 10:30 बजे सूचना आई कि लक्ष्मणगढ़ बाईपास पे एक गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिस पर मैं और मेरे जाप्ते को लेकर वहां पहुंचे तो एक लक्ष्मणगढ़ की तरफ से एक काले रंग की जो गाड़ी थी वो बाईपास पे जो पुलिया बना हुआ है, पुलिया से जस्ट 50 मीटर के आगे राइट साइड में वो स्लिप होके खड्डे में गिर गई थी, जिसमें से 5, 2 बच्चे और 3 आदमी। जनटीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।